हेलो गाइस, ये कोई ब्लॉग नहीं है और ये सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ब्लॉग है ना बहुत कम आ रहे हैं। पीछे बहुत सारी रीज़न है। एक तो ये रीज़न है, ये स्कूल जाने लग गया है और हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को क्या हम करें, लेकिन बीच में ना क्या होता है कि जैसे आप देखते ही हैं कि कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो गाइस बस यही चल रहा दिनचर्या, और कमेंट करके बताना कि हम इस चीज़ों से वैसे कोई भी नहीं निकलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा उत्तर है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम लोग कंटिन्यू नहीं बना पा रहे हैं। पता नहीं क्या अजीब सा टेंशन रहती है, क्या रहती है समझ नहीं आता है। तो एक तो ये घर जिसमें रह रहे हैं, पहले भी हमने ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हमें जो घर है ना मिल नहीं रहा, जिस हिसाब से हम देखना चाह रहे हैं कि हमें मिले, और हमारा बजट भी उससे कम है। अभी हम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमें मिल नहीं रहा है। और उसके पीछे दूसरा और रीज़न आ गया कि आपने देखा होगा हमने एक फैमिली मेम्बर जो हमारा बड़ा था वो शैडो, उसके लिए भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो बोलते हैं जी घर ये डॉगी का नहीं है, क्या करें आप बताइए। वो अब हमारे लिए ये है कि डॉगी को कहाँ दें हम, क्योंकि 6 महीने से हमारे साथ ही रहता। जब कोई एक परिवार का जन 6 महीने रह जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको क्या देना, और हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे लिए ये हो गया कि हमें वो डॉगी देना चाह रहे हैं, लैब्रा है, बहुत अच्छा है, और जो डॉगी लवर्स हैं उन्हें पता है कि ये जो डॉग्स होते हैं कितने वफादार होते हैं, कितने समझदार होते हैं। तो गाइस अगर किसी को चाहिए होगा आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो देख के, तो मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर शायद या ईमेल कुछ भी दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर बताना। और गाइस और वैसे देने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि एक बहुत सारी यादें बच्चे बोलते हैं जुड़े हुए हैं, तो हम नहीं देना चाहते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, एक तो खाली करना है घर हमें जब मिलेगा। अभी 3 महीने से हम कंटिन्यू देख रहे हैं, बस बिजनेस हो गया है घर का, किराए में रहना भी, तो रेट इतने ज़्यादा हैं कि बता नहीं सकते आपको। और दूसरा फिर एक डॉगी के लिए बोलते हैं ये नहीं रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे परिवार के अंदर। डॉगी को भी हमने किसी अच्छे परिवार में देना है, ऐसे तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं कि कोई बोले कि आओ जो हमें दे दो ये। अब बहुतों को हमने बात रखी है, बोलते हैं फ्री में दे दो। अब ये सोचो गाइस फ्री में लेना चाहते हैं लेकिन उसको कैसे सही से रखेंगे। जो फ्री में लेने वाले हैं ना, मुझे लगता है वो तो अच्छे से पाल ही नहीं सकते हैं डॉगी को, और ना, और मुझे लगता है कि वो खाना भी क्या देंगे, उसका टेक केयर भी क्या करेंगे। कोई ऐसा जेन्युइन व्यक्ति हो जो लवर हो डॉग का, और फ्री में मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर फ्री की चीज़ तो मुझे भी मिल जाए या किसी को, उसकी क्या कोई इज्जत नहीं होती है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है बाद में। वो बोलते हैं भाई फ्री में मिली है ऐसे ही करो ऐसे ही रख दो। तो मैं चाहता हूँ कोई अच्छा जो डॉग लवर्स है, जो डॉग को पसंद करते हैं, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमने 8000 का लिया था ये डॉगी, फिर उसके साथ साथ हमने बहुत सारी जो लेते हैं तो इंजेक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसको लगाए प्रॉपर। तो बाकी हम देना चाह रहे हैं, अगर कोई संपर्क कर सकता है सही रेट में, अगर हमारा ये चले जाए। पहले तो हम पूरी जानकारी लेंगे जिस परिवार में जो भी लेना चाहेगा,
उसके घर में जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमसे ले जाने और वहाँ उसके दुर्गति हो जाए और उसको ठीक से टेक केयर ना कर सके। तो मेरा यही है कि अगर कोई डॉग्स लवर है वो ही कॉन्टैक्ट करे और फिर हम सोचेंगे। वैसे आपको सब बता दिया कि 8,000 में लिया है, तो ऐसा ही व्यक्ति कोई ले सकता है। हम कोशिश करेंगे कुछ कम कर दें, अगर कोई सच्चाई में लेगा, ऐसा ना हो कि हमसे लेके कहीं और भेज दें और किसी गलत व्यक्ति के हाथ में हमारा ये डॉगी लग जाए। तो हम पूरी जानकारी के थ्रू ही देंगे ये डॉगी। तो बस यही हमारा मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था। और सायरा भी शायद कुछ बोलना चाह रही है। और अगर आपको लेना हो तो ले लो, ये हमारा ट्रेंडिंग डॉग, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, ट्रेंड डॉग है, ट्रेंड डॉग है, तो आप ले सकते हो, आपकी सारी बातें मानेगा। तो शुक्रिया सारा को भी पता है कि वो कहना मानता है तो ट्रेंड किया हुआ है, तो कोई भी कांटेक्ट कर सकता है और ले सकता है। तो जितनी जल्दी हो वो कांटेक्ट करें, लेकिन जो करें वो सोच के करें, क्योंकि वो केयर बहुत करनी पड़ेगी उसकी, एक बच्चे की तरह करना पड़ती है केयर। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। तो ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा जिसको चाहिए होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।